उदयपुर में पीएम मोदी की 22 अप्रैल को प्रस्तावित जनसभा को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने भूमि पूजन किया। चेटक चौराहे स्थित गांधी ग्राउंड में केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने सभा स्थल का विधि विधान से भूमि पूजन कर सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया है। और मीडिया से बात करते हुए जावड़ेकर ने मेवाड़ की 12 विधानसभा सीटों से बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के मौजूद होने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने भी पीएम मोदी की सभा के ऐतिहासिक होने की बात कही है और इस मौके पर चुन्नीलाल गर्सिया, जिलाध्यक्ष रविन्द्र श्रीमाली भी मौजूद रहे। मुझे खुशी है कि मोदी जी की 22 तारीख को जो ऐतिहासिक सभा उदयपुर में संपन्न होगी, उसके स्टेडियम में पूरी तैयारी करने के लिए आज भूमि पूजन किया है। देश भर में मोदी जी रोज 3 या 4 सभाएं कर रहे हैं, दो दो तीन तीन प्रदेशों में जा रहे हैं। जिस तरह से एक जबरदस्त उसको रिस्पांस मिल रहा है, लोग जैसे आ रहे हैं, हमारे सारे अंदाजे बेकार होते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, क्योंकि लोग ने तय किया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही होंगे। और इसके लिए इस चुनाव में यही मुख्य मुद्दा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और इसमें जो बाकी दावेदार है उस पर लोगों का कोई भरोसा नहीं है। लोगों का भरोसा मोदी जी पर है और मोदी जी यहाँ आएंगे और बहुत अच्छी सभा होगी।